दोस्तों, मैं हूँ रिपोर्टर निक्स और आप देख रहे हैं फेक टीवी। आज हम बच्चों की राय लेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है कि स्कूल तो हो रही है ऑनलाइन और एग्जाम हो रहे हैं ऑफलाइन, और अभी वो सब एग्जाम देना है। चले उनकी राय देखते हैं। तो मैंने तो वैसे भी मैं पढ़ाई कर ही रही थी ऑनलाइन, और मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी की थी, और ऐसा कुछ नहीं होता ऑफलाइन या ऑनलाइन। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाई करी थी, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी और मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की है कि मुझे तो डर लग रहा है कि मेरे 100 में से 200 ना आ जाए। मेरे चाचा की शादी है, मैं यहाँ पे एग्जाम देने आया हूँ। ऑफलाइन एग्जाम क्यों ले रहे हो? ऑनलाइन एग्जाम लेना मांगता है ना, 80 मार्क्स का पेपर है, 10 मार्क्स का भी कुछ नहीं आता मेरे को। यार थोड़ा तो जस्टिस करो, ऑनलाइन क्लासेस दिलवा के ऑफलाइन एग्जाम दिलवा रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है, किसी ने भी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा टाइम तो दो हमें एडजस्ट होने में। अब पता नहीं कैसा रहेगा, चीटिंग करने की इतनी आदत पड़ गई है कि मैंने तो सिमरन को बोल दिया है 16th रोल नंबर वाली को कि मुझे बता देना। उसने बोला कि वो मुझे बता देगी, वैसे भी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे बता देगी, और पढ़ाई तो मैंने वैसे भी की नहीं थी। मैं तो राम जी के भरोसे आई हूँ, मन्नत मांगी थी मैंने कि वही अब पार लगाएंगे, और देखते हैं क्या होता है, और अगर आपका हो गया है तो आप प्लीज़ जाइए, कंफ्यूज मत कीजिए मुझे। तो आपको सबसे अच्छा रिव्यू किसका लगा बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ 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 लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। और आप बताइए, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने चाहिए ऑफलाइन?